ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਚਲਾਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम खातिनों हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट आज़ीम अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ डॉट टीवी। नाज़रीन, मिट्टी के बर्तनों में खाना जहां सुन्नत नबवी है वहीं सेहत के लिए मुफीद भी है। दुनिया जहां जदीद तर्ज़ अमल की तरफ बढ़ रही है वहीं मिट्टी के बर्तनों में खाने और पीने का रुझान वैसे का वैसा ही है। आइए डिजिटल रिपोर्ट में जानते हैं कि क्यों मिट्टी के बर्तनों में खाने पीने का रुझान कम नहीं हो रहा और इसे कैसे बनाया जाता है। बड़े सगीर पाक हिंद की सकाफत में जहाँ बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं वहीं मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी इसमें सर फहरस्त है। सकाफत से मिट्टी के बर्तनों का किस कदर गहरा ताल्लुक है और किस तरह इसे बनाया और बेचा जाता है, आइए जानते हैं इस न्यूज़ पैकेज में। मिट्टी के बर्तन नहीं बनते क्योंकि ये मिट्टी गहरी मिट्टी, इसको चिकनी मिट्टी हम बोलते हैं, और इसको एक दफ़ा इस तरह छान लगा के इसको धोया जाता है। तकरीबन 7 दफ़ा ये पानी निकाला जाता है, उसके बाद ये ठंडी होती है, उसके बाद ये गोबर जैसी बन जाती है, उसके बाद ये बनाए जाते हैं बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन इस तरह बनते हैं। अभी इनको पकाया जाता है, जैसे आपको पता है भट्टी में लगा के ये एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, जैसे खूसा बना होता है उस तरह ये एक दूसरे के ऊपर, एक बर्तन नहीं पकता, ये तकरीबन 400-500 बर्तन इसमें लग जाता है। इन बर्तनों को बनाकर फिर सजाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के रंगों में तब्दील कर दिया जाता है। मिट्टी के बर्तनों का जहां सकाफत से गहरा ताल्लुक है वहीं तारीख में मटका बजाना सकाफती मौसीकी में भी मकबूल रहा है। कहते हैं पहले ज़माने में लोग लोकगीतों को मटके की तर्ज पर सुनना पसंद करते थे। इस मिट्टी से ना सिर्फ खाने पीने के बर्तन बनाए जाते हैं बल्कि दीगर अशिया भी बनाई जाती हैं, जिनमें गल्ले, डेकोरेशन पीस और मिट्टी के गुलदान वगैरह शामिल हैं। तो नाज़रीन, हमने इस वीडियो में जाना कि मिट्टी के बर्तनों के क्या क्या फ़ायदे हैं। जहाँ ये सेहत के लिए मुफीद है वहीं ज़रूरियात ज़िंदगी में भी इसे आम तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें चाहिए इस रुझान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाएं।